अस्सलाम वालेकुम YouTube, वेलकम टू मिस्टर सॉफ्टवेयर। दोस्तों, जैसा कि मैचेस शुरू हो गए हैं और आप सिर्फ मैच देख रहे होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ इस मैच से जो है वो कमा रहे होते हैं। वो किस तरह से कमा रहे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, जो मैच है उसकी स्ट्रीमिंग दे रहे होते हैं YouTube के ऊपर, वहाँ से वो अच्छी खासी अर्निंग जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं। आपने बहुत से देखा होगा, जब आप YouTube पे जाते हैं, लिखते हैं मैच, तो आपके पास बहुत सारे लाइव जो है मैच चल रहे होते हैं। तो वो किस तरह से होता है और किस तरह से वहाँ से अर्निंग होती है, तो ये सारी की सारी डिटेल जो है वो आपको इस वीडियो में आप तस्वीर से बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें स्टेप्स ऐसे हैं कि जो आपको जो हैं वो देखने पड़ेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या स्टेप है। तो इस वीडियो को डिटेल से देखिए और एट द एंड आप जो है वो लाइव मैच को दिखा सकेंगे यूट्यूब के ऊपर। और यकीन करें, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑडियंस आती है, क्योंकि हर कोई जो है ढूंढ रहा होता है कि इस किस तरह से लाइव मैच जो है वो मिले। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वहाँ मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ कि आप किस तरह से मैच जो है वो लाइव दिखा सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। तो दोस्तों, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। आप देखें यहाँ पे जो है वो लाइव क्रिकेट जो है वो तकरीबन चल रही है, जो कि आज न्यूजीलैंड वर्सेज इंग्लैंड का मैच है। तो यहाँ पर सारे लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखें, ये लाइव स्ट्रीम हो रही है, ये लाइव स्ट्रीम, ये लाइव स्ट्रीम, और इस पर व्यूर्स देखें आप 2.5K हो रहा है, इसके 1.2K, इसके ज़रा नीचे हैं 4.6K। मतलब यहाँ पे आप नीचे जाते जाएं तो ये सारी की सारी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग ओरिजिनल मैच की नहीं मिलेगी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो है कार्टून चल रहे होंगे, कार्टून टाइप जो है वो ये चीज़ चल रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये कुछ इस तरह से चल रही है, आपको लाइव मैच जो है वो नहीं दिखाया जाता। साथ पर यहाँ पर आप देख रहे हैं चैट भी लोग कर रहे हैं। तो अगर आप लाइव मैच तो किसी तरह भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि उसके लिए लाइसेंस होता है और वो आपके पास नहीं हो सकता। और अगर आप लाइव चलाना भी चाहें, कहीं से स्ट्रीम भी कर रहे होंगे, तो आपको एक अच्छी भली स्ट्राइक आएगी और आपका चैनल जो है वो तबाह हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये बंदा सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग करता है और इसके यहाँ पे सब्सक्राइबर आप देख लें 1.3 मिलियन जो हैं वो सब्सक्राइबर हैं। तो ये इस तरह से ही जस्ट कर रहा है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप भी जो है इस तरह से कमा सकते हैं। आप भी सारा तरीका हम सीखेंगे कैसे जो है ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें स्कोर जो है वो लाइव का क्या चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो स्कोर चल रहा है वो है 2-3-5, 235 चल रहे हैं, ठीक है। तो हम अगर लाइव क्रिकेट इन्फो के ऊपर आएँ तो यहाँ पे भी देखें 236 और 7 खिलाड़ी आउट, और मतलब तकरीबन जो है, क्योंकि मैंने स्टॉप कर दी है, तो 237 भी यहाँ पे हो गए। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले तो आप अपने चैनल के ऊपर आएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने करना है क्रिएट के ऊपर, ठीक है। क्रिएट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर देखें लिखा हुआ है गो लाइव। आपने सिंपल गो लाइव के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप गो लाइव के ऊपर क्लिक करेंगे, तो अगर आप पहली दफ़ा जो है लाइव जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 24 घंटे का वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वो टाइमर स्टार्ट होने के बाद आप 24 घंटे बाद जो है आपके पास ये वाली स्क्रीन आएगी, ठीक है। तो उससे पहले हमने जो है वो क्या चीज़ें कर लेनी है, पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे OBS, ठीक है, OBS स्टूडियो लिखना है आपने। और यहाँ पे जो पहली वेबसाइट है OBS स्टूडियो, हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि लाइव स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास विंडोज़ है, मैक है, लिनक्स है, जो भी है आप उसके लिए डाउनलोड करेंगे। सिंपल विंडोज़ के ऊपर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ही हमारे पास यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये जैसे ही डाउनलोड होता है तो हम नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास OBS जो है वो डाउनलोड हो चुका है। आपने सिस्टम सिंपल जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है हमने इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉलेशन का क्या प्रोसेस है, आपने सिंपल क्लिक किया, उसके बाद आपने नेक्स्ट किया, इंस्टॉल, और सिंपल ये इस तरह से इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, हमारे पास ये इंस्टॉल हो चुका है, आपने सिंपल फिनिश के ऊपर क्लिक करना है। हमारे पास ये जो सॉफ्टवेयर है वो कुछ इस तरह से है, लेकिन इससे पहले हमने एक और स्टेप की तरफ चलना है, तो हम देख लेते हैं कि पहले जो है हम उसको किस तरह से कर लेते हैं। तो अब हमने नेक्स्ट स्टेप ये करना है, जो आपको नीचे बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, ये बैकग्राउंड आपने कहाँ से लाना है। तो इसमें डिफरेंट चीज़ें, अगर आप सिर्फ इमेज रहना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई वीडियो चल रही होगी तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, ठीक है। उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने कोई भी गेम खेल लेनी है मैचेस वाली, खुद रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास एक सजेशन है आपके लिए कि आप जो है वो मोबाइल के ऊपर एक गेम है, आप उसको डाउनलोड करके उसको रिकॉर्ड कर लें। तो सिंपल चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, हम मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। मोबाइल की स्क्रीन पे आने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पर सर्च करना है क्रिकेट गेम। तो दोस्तों, यहाँ पर आप कोई भी गेम जो है वो डाउनलोड करके खेल सकते हैं, लेकिन जो एक अच्छी गेम जो मुझे लगती है, जिसमें अच्छे आपको विजुअल्स मिल जाएंगे, वो आपके पास ये वाली है वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप, ठीक है। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप सिंपल इसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैं सिंपल जो है वो इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो गेम डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसे ही ये होती है, ये तकरीबन 595 MB की फाइल है, थोड़ी सी बड़ी है, तो आप देख लीजिएगा कि आपके पास जो इंटरनेट में इतना डाटा मौजूद है, ठीक है। तो जैसे ही ये डाउनलोड होती है तो हम नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास जो है गेम इंस्टॉल हो चुकी है। आपने सिंपल प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है ये स्क्रीन में रिकॉर्डिंग में कुछ इस तरह से नज़र आएगी, ठीक है। तो अब ये देखें आपके सामने, आपने टर्म एंड कंडीशंस को ओके करना है, ओके, ठीक है। तो ये अलाउ, उसके बाद यहाँ पे आपके पास देखें बहुत सारी जो है वो टूर्नामेंट्स वगैरह आ चुके हैं। सिंपल वर्ल्ड कप 2023 के ऊपर क्लिक करेंगे,
के बाद आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ से जो भी टीम है आपकी वो सिलेक्ट कर लें। जैसे अभी जो है हमारा न्यूजीलैंड का है, तो हम न्यूजीलैंड सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल टिक किया। उसके बाद जो है हमारे पास कुछ इस तरह से जो है ये वर्ल्ड कप की एक झलकी आएगी, वीडियो बन जाएगी जो आपके लिए। तो ये हमारे पास देखें, इस तरह से ये एक ज़बरदस्ती वीडियो जो है वो ऑटोमेटिकली ये गेम में ही बन रही है, ठीक है। तो ये अब हमारे पास गेम में ही डिज़ाइन हो गई है, मतलब अब आपको मतलब समझें कि वीडियो जो है वो यहीं से मिल जाएगी, ठीक है, जो कि आप जो है वो पीछे चला सकते हैं। उसके बाद हमने स्टार्ट मैच के ऊपर क्लिक कर दिया, जबकि बटन पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपके पास एक और वीडियो भी मिल जाएगी आपको, जो कि इस तरह से मिल जाएगी, ठीक है। ये भी कार्टून अंदाज में जो है वो एक कैप्टन जो है अपनी टीम को बता रहा है कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो ये चीज़ भी आपको मिल जाएगी न्यूजीलैंड के लिए। उसके बाद जो है आपको कुछ इस तरह से हाईलाइट्स भी मिल जाएंगी, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये इस तरह से आ जाएगी, जो आपको विजुअलाइजेशन जो है वो मिल जाएगी। तो आपने सिंपल टैब के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखें कि वो जो है वो टास्क हो रहा है। तो आपने जो भी सिलेक्ट करना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी टास्क जो है वो स्टार्ट हो गया, तो ये स्टार्ट में टास्क की वीडियो आएगी, आप इसको भी ले सकते हैं। तो आपके पास जो है वो प्लेयर्स भी कुछ इस तरह से जो है यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप जो है वो इनकी भी वीडियो बना सकते हैं। अब जो मोबाइल के अंदर हमारे पास सारी गेम हमने जो रिकॉर्ड की है, ये सारी की सारी मैंने अपने कर ली है लैपटॉप के अंदर शिफ्ट। लैपटॉप के अंदर शिफ्ट करने के बाद अब हमारे पास क्या नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, अब वो हम देख लेते हैं। अब नेक्स्ट बारी जो है वो OBS की आ जाती है, तो आपने सिंपल OBS को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपके पास सीन है, आपने प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करके सीन जो है वो क्रिएट कर लेना है। तो उसके लिए आपने सिंपल जो है यहाँ पे सीन है तो सीन का कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, मैं इसी को रहने देता हूँ। ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपके पास सोर्स वाला ऑप्शन आ जाएगा, आपने सोर्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो आ जाएंगे, लेकिन आपने जो है वो अभी के लिए मीडिया सोर्स को ओपन करना है। जैसे इसको ओपन करेंगे आप जो है वो इसको किसी तरह का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब मैंने सिंपल ओके कर दिया। जैसे ही ओके करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो जो है वो आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपने जो गेम डाउनलोड की थी जिसकी रिकॉर्डिंग करके, तो वो आपने यहाँ से चूज़ कर लेनी है, वो आपने जहाँ पे भी कंप्यूटर में रखी हुई है। तो मैंने जैसे सिंपल ये वाली क्लिक करके इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपने जो है ये लूप वाले ऑप्शन को चेक करना है और बाकी जो है वो सारे आपने अनचेक कर देनी है। जैसे ही आपने इसको किया, उसके बाद आपने सिंपल जो है वो बाकी सेटिंग्स आपने नहीं छेड़नी, वो एज इट इज़ ही रहेंगी। उसके बाद आपने सिंपल ओके के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ही ओके के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपके पास वो वाली वीडियो जो है चलना स्टार्ट होगी। हमने इसको जो है वो पूरी की पूरी इसके ऊपर दिखाना है, तो आप इसके ऊपर फुल डिटेल में यहाँ पे ये इस तरह चलती रहेगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। जैसे अभी ये देख रहे हैं इसी तरह से ये चलेगी जो हमने रिकॉर्ड की थी, ठीक है। तो ये इस तरह से चलती रहेगी यहाँ पर लूप की जरूरत में, ठीक है। तो ये हमारी जो है पीछे सीन जो है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लाइव स्कोर भी देना है, तो लाइव स्कोर किस तरह से होगा उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, उसके लिए आपने सिंपल आ जाना है गूगल के ऊपर और यहाँ पे लिखना है ICC लाइव स्कोर। आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे लाइव क्रिकेट स्कोर के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी मैचेस चल रहे होते हैं ICC के, वो यहाँ पे सारे आपको शो हो रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी हमें जो लेटेस्ट जो चल रहा है लाइव स्कोर, वो हमें यहाँ पे सारा शो करेगा। तो यहाँ पे हमें जो है ये तो हमें यहाँ पे ये स्कोर मिल गया है, ठीक है। हमने इसको सिंपल व्यू मैच इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पे ये लाइव स्कोर जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पे लाइव स्कोर जो है वो चल रहा है, ठीक है। अब हमने इसी पूरी विंडो को जो है वो अपनी लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर लेके आना है, तो वो किस तरह से लेके आएंगे, वो तरीका आपने वापस आ जाना है OBS के ऊपर। OBS के ऊपर वापस आए और यहाँ पर आपने अब क्या करना है, सोर्स के अंदर एक प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे इसको ओके कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली विंडो आ जाएगी। अब हमने जो है ना URL ये वाला कॉपी कर लेना है, सिंपल ये वाला URL कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम वापस OBS में आए। OBS में आने के बाद यहाँ पे हम उसको डाल देंगे, पेस्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आपने सिंपल जो है वो ओके कर देना है, ठीक है। हमने यहाँ पे ओके कर दिया, तो यहाँ पे अभी हमें वही वाली वेबसाइट जो है वो शो हो जाएगी। देखें अब जो है आप इसको रिसाइज कर सकते हैं, यूं करें, जहाँ करें, जैसे भी करें। उसके अलावा आप अगर इसको कट करना चाह रहे हैं, जैसे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पर ये स्कोर आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसको कट कर रहे हैं, ऊपर से यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए। तो आपने सिंपल अपने लैपटॉप से ऑल्ट बटन दबाएंगे तो यहाँ से ये कट होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर इतना, और हमने ऊपर से फिर ऑल्ट दबा के इतना, और फिर नीचे से भी अगर थोड़ा सा आप ऊपर करना चाहें तो यहाँ तक हमें जो है ये काफ़ी है, ठीक है। अब हम इसको जहाँ भी रखना चाहें, यहाँ रखना चाहें, यहाँ रखना चाहें, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जितना भी रखना चाह रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं जो है इसको यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ। अब आप देख लें, थोड़ा सा मैं इसको इधर करूँगा, तो यहाँ पे जो लाइव स्कोर चल रहा है वही चीज़ यहाँ पे लाइव चल रही है। तो हमारी जो है वो OBS तो रेडी हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि हमने इसको जो है वो यूट्यूब के ऊपर किस तरह से लाइव स्ट्रीम करना है इसी वाली स्क्रीन को। तो उसके लिए हम चलते हैं अब यूट्यूब के ऊपर। अब यहाँ पर आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर आपने लेटर डेट के ऊपर नहीं क्लिक करना, राइट नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है स्टार्ट के ऊपर।
उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, राइट नाउ के ऊपर स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद जो है आपने नीचे वाली जो है स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर गो करना है, ठीक है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह आ जाएगा। तो ये किड्स के लिए है तो आप किड करेंगे, किड के लिए नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे और सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके पास जो है वो यूँ इस तरह से कुछ आ जाएगा, ठीक है। हमने सिंपल पहले एडिट के ऊपर करके इसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और चीज़ें दे देनी है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें दे देता हूँ, ठीक है। आपने भी इसी तरह जो मैच होगा वो हेडलाइन दे देनी है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। और फिर डिस्क्रिप्शन में भी आप जो है जो भी लिखना चाहें आप वो लिख सकते हैं। कैटेगरी जो है वो यहाँ से स्पोर्ट्स की सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से जो है वो स्पोर्ट्स की कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जो है आप सिंपल यहाँ पे आके थंबनेल भी लगा सकते हैं। आपने सिंपल अपलोड के ऊपर क्लिक करना है और जो भी आपने थंबनेल कैनवा में डिज़ाइन कर सकते हैं उसको यहाँ पे लगा दें। और यहाँ पे आपने आने के बाद यहाँ पे टैग्स में आपने टैग डाल देना है, क्रिकेट वगैरह के इस तरह से टैग, जो डिफरेंट क्या टैग्स हैं वो आप डाल सकते हैं, वर्ल्ड कप, क्रिकेट, ये वो सारी चीज़ें आपने जो है वो यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने सिंपल सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट चीज़ आ जाएगी, आपके पास यहाँ पे स्ट्रीम की है, आपने सिंपल इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने आना है वापस OBS में। OBS में आने के बाद आपने यहाँ पे सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे आने के बाद आपने सिंपल स्ट्रीम पे क्लिक करना है। स्ट्रीम पे क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ से यूट्यूब सेलेक्ट करेंगे। यूट्यूब सेलेक्ट करने के बाद आपके पास जो है वो यहाँ पे यूज स्ट्रीम की एडवांस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने वो स्ट्रीम की जो है वो पेस्ट करनी है। और उसके बाद आपने सिंपल जो है यहाँ पे हमारे पास कनेक्ट हो गया है। उसके बाद आपने सिंपल जो है वो अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है और ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। इसी उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने करना है स्टार्ट स्ट्रीमिंग के ऊपर। दोस्तों जैसे ही आप जो है ना इसके ऊपर स्टार्ट स्ट्रीमिंग करेंगे तो अब आपने आ जाना है वापस इसके ऊपर। तो यहाँ पे देखें आपको ये लाइव स्ट्रीम जो है वो चलती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे ये जो है वो लाइव हो चुकी है, ठीक है। अब हम इसको अगर लाइव देखना चाहते हैं तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। किस तरह से शेयर करना है, आपने सिंपल इसके ऊपर शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसी स्ट्रीम को शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, जहाँ जहाँ आप सेंड करना चाहें। इसी तरह आपको लिंक मिल जाता है, आप ये लिंक जहाँ जहाँ सेंड करेंगे वहाँ वहाँ पे जो है वो लोग ये स्ट्रीम आपकी लाइव देख सकेंगे। तो इस तरह से जो है एक मैच को लाइव किस तरह से आप दिखा सकते हैं, वो ये तरीका था। तो दोस्तों ये वो सारी डिटेल्स थी कि किस तरह से आप जो है मैच को लाइव दिखा सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। बहुत आसान है, सिंपल मेथड आपने इस तरह करना है और एट द एंड जो है वो आपका यूट्यूब के ऊपर जो है लाइव मैच चल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने लाजमी करनी है, बिल्कुल सिंपल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये दूसरे दोस्तों को लाजमी शेयर कीजिए अगर आप इस पर नहीं करना चाह रहे हो। सकता है कोई और बंदा जो है वो उसके लिए ईजी हो और वो ये चीज़ सारी चीज़ जो है वो कर सके, तो उस तक लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी यहाँ से अर्निंग जनरेट कर सके। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकान होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।